हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में, अगर आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ है और जो रेक्टिफिकेशन है उसमें आपको डेटा करेक्शन करना है अपनी रिटर्न में, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक आप कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हो इन केस ऑफ डेटा करेक्शन, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो जब हमें नोटिस आता है या इंटीमेशन आता है इनकम टैक्स से, तब हमें पता चलता है कि अगर डिमांड है तो क्यों है। अगर कोई गलती हो जाती है जो एप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जो हम करेक्शन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम TDS की एंट्री क्लेम कर रहे हैं तो टैन नंबर गलत मेंशन करते हैं, उसको आपको करेक्ट करना है। ऐसी छोटी छोटी जो क्लेरिकल मिस्टेक है वो आपको सुधार करनी है, तो रेक्टिफिकेशन के टाइम पे एक डेटा करेक्शन का ऑप्शन आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप लॉगिन करेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे और रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट में आपको बताना पड़ता है इनकम टैक्स का ऑर्डर आया है एंड असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम बताए ना, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड अगर आपको इंटीमेशन आया और आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो क्या प्रोसीजर है, ये देखते हैं। असेसमेंट ईयर 19-20 सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद आपके पास रीप्रोसेस दी रिटर्न का ऑप्शन होता है। अगर कोई आप करेक्शन नहीं कर रहे तो आप रीप्रोसेस दी रिटर्न कर सकते हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 234C इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको करेक्शन करना है तो आप वो सिलेक्ट करें। रिटर्न डेटा करेक्शन ऑफलाइन, अगर आपको कोई एंट्री ठीक करनी है रिटर्न में तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड लास्ट है टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन, अगर कोई टैक्स क्रेडिट TDS एंट्री में मिसमैच है तो आप वो लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको रिटर्न डेटा करेक्शन से रिलेटेड बता रही हूँ, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको राइट हैंड साइड पे डाउनलोड ITR XML और JSON मिलेगा। ये क्या है, ये जब आपने रिटर्न सबमिट किया था तो जो XML के थ्रू JSON के थ्रू सबमिट किया था ये वो फाइल है। जैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे अपनी यूटिलिटी में तो आपकी जो रिटर्न आपने भरी थी वो पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी, फिर जो भी आपको रिक्वायर्ड करेक्शन है आप वो करेंगे। इसके लिए आपको यूटिलिटी भी चाहिए होगी, तो यूटिलिटी के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल में डाउनलोड सेक्शन में आप असेसमेंट ईयर 19-20 सिलेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव यूटिलिटी सारे ITRs की मिल जाएगी। ITR 3 में करेक्शन है तो आपको ITR 3 में एक्सेल बेस्ड करना चाहते हैं या जावा बेस्ड करना चाहते हैं आप वो डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे आपको यूटिलिटी और XML डाउनलोड करनी है, जावा आप जब डाउनलोड करेंगे तो जावा यूटिलिटी ओपन होगी। अब यहां पर क्या करना है, आपको ओपन पे क्लिक करना है एंड जो हमने अभी सेव की थी XML JSON ऑप्शन से फाइल उसको ओपन करना है। ऐसे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली इंपोर्ट डेटा का। इसके बाद आपका जो भी स्पेसिफिक करेक्शन है आप वो करें रिटर्न में एंड उसके बाद अगेन इसको सेव कर दें। सेव करके आप अपनी XML बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अगेन इनकम टैक्स साइट पे जाना है एंड जो आपने XML अभी बनाई थी करेक्शन करने के बाद वो आप अपलोड कर देंगे। ऐसे आपकी आपका जो रिटर्न डेटा करेक्शन है ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ सबमिट करना है। ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड असेसमेंट ईयर 19-20। अब हम देखेंगे
कि अगर हमें असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड करना है तो अगेन सेम प्रोसीजर है, आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे एंड रिटर्न डेटा करेक्शन ऑफलाइन पे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको डाउनलोड ITR XML करना है एंड यूटिलिटी, एट द सेम टाइम आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। आप ITR 3 कर रहे हैं तो एक्सेल एंड जावा दोनों ही अवेलेबल है। जावा यूटिलिटी जैसे अभी हमने देखा वैसे ही ओपन होगी एंड आपको जो हमने अभी XML डाउनलोड की थी उसको ओपन करना है। जैसे ही वो इम्पोर्ट हो जाएगी आपको जो भी स्पेसिफिक करेक्शंस है आप वो करें एंड अगेन सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद जो XML है हमने जो करेक्ट करके XML जनरेट कर रहे हैं उसको हम सेव कर देंगे। एंड फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है एंड अटैच करना है फाइल को। और आपको सबमिट करना है। तो ऐसे आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। मैं हर साल का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोगों को प्रीवियस ईयर्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम देखेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 का अगर आपको करेक्शन करना है डेटा करेक्शन ऑफलाइन तो सर्विसेज पे ही जाना है, रेक्टिफिकेशन में जाना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और रिटर्न डेटा करेक्शन टैब को आपको ओपन करना है। अगेन यू हैव टू डाउनलोड ITR XML एंड JSON जो कि हमने फाइल की थी, रिटर्न उसी की XML है और साइमल्टेनियसली आपको डाउनलोड सेक्शन से यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 से कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है ITR 1 से लेके 4 की एंड 5 से लेके 7 की। तो आप कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे एंड उसी में ही आप इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी रीसेंट डाउनलोड करी है XML। कॉमन यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फाइल रिटर्न, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फिल्ड इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट JSON जनरेटेड, इस पे आपको क्लिक करना है और अटैच करना है। JSON जो कि हमने अभी रिसेंटली डाउनलोड करी है, फिर आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अगेन जो भी आपको रिस्पेक्टिव करेक्शंस हैं आप कर सकते हैं। कोई भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते इनकम, सिर्फ और सिर्फ जो रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं वो है मिस्टेक्स का जो कि अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्डो, मतलब क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं वो ही ठीक हो सकती हैं। फिर आप जैसे आप चेंज करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे एंड अगेन एक JSON जनरेट होगी। फाइलिंग सेक्शन में आपको बताना है कि आप ये जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हो वो किसके तहत कर रहे हो, 139 सबसेक्शन 9 एंड यहाँ पर आपको ओरिजिनल जो रिटर्न है उसकी
रिसीट नंबर डालना है, कब आपने फाइल किया था, और जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इंटीमेशन जो आपको रिसीव उस पर मेंशन होगा, वो आप बताएं, कब मिला है नोटिस आपको या ऑर्डर डेट क्या है वो आपको बता के यहाँ पर फिर रेक्टिफिकेशन करना है। तो एक जैसन जब जनरेट होगी फाइनली, वो ही आप अपलोड करोगे आपके इनकम टैक्स साइट पे, अटैच करेंगे यहाँ पर वो जैसन फाइल को और सबमिट कर देंगे, तो आपकी ये रेक्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइल हो जाएगी। अब हम लास्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी आपको अगेन वही करना है, इनकम टैक्स पोर्टल में आप लॉग इन करेंगे, सर्विस में न्यू रिक्वेस्ट में आपको असेसमेंट या सिलेक्ट करना है, 21-22 एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करके रिटर्न डेटा करेक्शन पे जाएंगे, वहां से आप XML JSON फाइल जो है वो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड सेक्शन से आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे एंड उस यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे। यूटिलिटी मैंने डाउनलोड करके रखी है एंड आप जो जैसन आपने डाउनलोड करी है वो आप उसमें इंपोर्ट कर दें। हर साल प्रोसीजर सेम है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, इंपोर्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जो आपने फाइल डाउनलोड करी है आपको बस वो सिलेक्ट करना है एंड जैसे आप वो फाइल को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो रिटर्न ओपन हो जाएगी और आप करेक्शन इजिली कर पाएंगे एंड अगेन यू हैव टू जनरेट जैसन फाइल एंड अपलोड on the income tax portal and submit the request. So this is how you can do rectification in case of data return correction offline from financial year 18-19 to financial year 21-22. Hope aapko procedures samajh aaya hoga. Aap mujhe comment section mein bata sakte hain agar aapko abhi bhi problem aa rahi hogi to. Thank you.